हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बहुत टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ ना। वीज़ास तो डेली बेस पे आते रहते हैं तो मैं एक मिनट बॉक्स में अपडेट करता रहता हूँ, लेकिन मैं वीडियोज़ के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हाँ, मैं आज आपसे एक प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ कि अभी मैं 2-3 दिन बाद हमेशा एक वीडियो ज़रूर डालूंगा किसी भी टॉपिक को लेके। आप मुझे कमेंट कर दिया करना भी भाई ये चीज़ कैसे है या ये चीज़ कैसे है ना, तो चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाकर जरूर डाला करूँगा ना, ये आपसे प्रॉमिस है मेरा। तो बाकी आज मैं आप लोगों से एक जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिनका नाम है तेजेंद्र सिंह जी, जो करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं। अभी रिसेंटली उनका और उनकी वाइफ का और उनके बच्चे का हमने वीज़ा लिया है जर्मनी का। तो अगर मैं उनकी प्रोफाइल की डिस्कस करूँ तो उनके ऑलरेडी 10 बार शेंगेन से रिफ्यूज़ल थी। मैं उनके साथ में वीडियो भी ऐड कर दूँगा। उनके ऑलरेडी 10 बार शेंगेन से रिफ्यूज़ल थी। रिफ्यूज़ल के बावजूद हमने लास्ट टाइम उनका जर्मनी वीज़ा अप्लाई करा तो उनके इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता और इंटरव्यू में उनसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया और उनका वीज़ा रिजेक्शन आ गया था ना। तो मैंने उनका अपील डाल के वीज़ा तब जर्मनी का निकलवा दिया था और उन्होंने ट्रैवल करके इंडिया वापस आ गए थे। अब उनका जर्मनी वापस ट्रैवल करने के बाद उनका कैनेडा करा, कैनेडा आ गया, यूके करा, यूके आ गया, उनकी वाइफ का करा यूके, यूके आ गया ना, और जो बच्चा था उनका बच्चे का बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था। तो अभी उनका वीज़ा हमने जर्मनी का अप्लाई करा, वाइफ उनकी जॉब दिखाई हुई है उन्होंने, अप्रॉक्स 25-30 हज़ार सैलरी आती है उनकी वाइफ की, और बच्चा ऑब्वियसली स्टूडेंट है ना, वो छोटा है। तो उनका उनके बिहाफ पे मैंने तेजेंद्र सिंह जी के बिहाफ पे उनकी वाइफ का और उनके बच्चे का वीज़ा अप्लाई करा भी पूरा। भाई फैमिली ट्रिप पर मैं जाना चाहता हूँ जर्मनी, है ना, तो हमने उनका पूरी फैमिली का वीज़ा लिया, ठीक है। अगर मैं उनकी तेजेंद्र सिंह जी की प्रोफाइल की बात करूँ तो उनकी भी जॉब प्रोफाइल है, अप्रॉक्स उनकी 40,000 सैलरी आती है तेजेंद्र सिंह जी के अकाउंट में। मतलब ऐसी एक नॉर्मल जैसे एजेंसी होती है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, नॉर्मल एक जैसे शहरों में होती हैं, है ना, किसी भी आप एम्प्लॉयर से जैसे डलवा लेते हैं, तो उस तरीके से उनकी सैलरी आती है और उनकी वाइफ की भी उस तरीके से आती है। बच्चा स्टूडेंट था और तेजेंद्र सिंह जी से एक स्पोर्टिंग एफिडेविट बना के लगाया था मैंने साथ में, भी मेरा बच्चा साथ में जा रहा है जी, तो उसका जो भी खर्चा है सारा मैं करूँगा ना, जो भी। तो उनका अप्रॉक्स 10 से 12 दिन के अंदर वीज़ा आ गया था। अगर इनके ITR की बात करूँ, ITR थी इनके अप्रॉक्स 5-5.5 लाख की, नॉन टैक्सेबल ITR थी, दोनों ITR ही, ठीक है, और वाइफ की भी नॉन टैक्सेबल थी, हस्बैंड की भी नॉन टैक्सेबल ITR थी, और बच्चे का स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाया था, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, और एक हस्बैंड से बच्चे के फादर से मतलब कि स्पोर्टिंग एफिडेविट लगाया था साथ में, यही डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। नॉर्मल सा प्रोसेस था ना, बड़े आराम से वीज़ा। अगर आप लोग भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हो ना, अगर आपका शौक है जैसे बोल दो आगे बड़ी किसी कंट्री में मूव होना, जैसे कैनेडा हो गया, USA हो गया, आपने ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करना है अपना, तो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब गलत रास्ते जाने के बजाय, डोंकी वोंकी वाला काम करने के बजाय, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, अगर आप उस रास्ते भी जाओगे ना, कम से कम 30-40 लाख लगेंगे आपके, और रिस्क कितना ज़्यादा है, रिस्क उससे भी ज़्यादा है पैसों की बजाय, और शेंगेन में भी जाते हैं लोग 10-10 लाख दे देते हैं 2 नंबर में जाने की, है ना। तो ऐसा कुछ ना करें यार, है ना, बड़ा इजी से आप वीज़ा ले सकते हैं ना। अगर मान लो आपने शेंगेन वीज़ा लेना तो आप 3 महीने की स्टेटमेंट चाहिए शेंगेन वीज़ा के लिए, 3 महीने आप जा तो किसी से सैलरी डलवा लो अपनी, हर महीने 35+ सैलरी रखना है ना, ये कोशिश करना 35+ सैलरी रखना अकाउंट में, 2 साल की ITR होनी चाहिए आपके पास, से ये सब कुछ नया बन जाता है। ये मत समझना भाई 2 साल लगेंगे प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अगर आप आज भी करना चाह रहे हो ना, तो आज से भी आप 3 महीने बाद अपना वीज़ा फाइल कर सकते हो, ठीक है, आज से आप अगर स्टार्ट करते हो अपना फाइल बनाना। 2 साल का ITR लगेगा, आप किसी सैलरी डलवा लो, है ना, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बता देना, मेरे लिंक में है 2-3 पर्सन, है ना, जिनकी कंपनी, तो वो आपके अकाउंट में सैलरी डाल दिया करेंगे, जो भी उनको थोड़े बहुत चार्जेस हुआ करेंगे वो ले लिए करेंगे, और उसके अलावा नहीं तो आप अपने शहर में भी किसी न किसी से डलवा सकते हैं, बड़े आराम से यार लोग डाल देते हैं, क्योंकि हर किसी को यह होता है टैक्स बचाना है हमने ना। अगर मान लो कोई बंदा आपके एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में सैलरी डालेगा तो उसको भी टैक्स का ही मतलब टैक्स बचेगा उसका, तो उसको फ़ायदा ही, उसका नुकसान नहीं होगा, इवन वो आपसे भी 1,000-2,000 एक्स्ट्रा ले ही लिया करेगा ना, तो उसका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है कोई। बाकी सबसे बड़ी बात, गलत काम तो कर नहीं रहे हो, एक सैलरी उसको कैश पैसा उसको दे रहे हो, अपने अकाउंट में डलवा रहे हो, दैट्स इट, इतना सा काम है, कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। सैलरी डलवाना स्टार्ट कर दो 35,000 से प्लस, 2 साल का ITR, बाद में आपको अपने एम्प्लॉयर से जिससे सैलरी डलवाओगे उससे पहले बात क्लियर कर लेना कि भाई हम आपसे सैलरी स्लिप्स लेंगे, सैलरी स्लिप्स आपके पास फॉर्मेट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बता देना, मैं बना कर दे दूँगा आपको। NOC का फॉर्मेट नहीं होगा, मेरे को बता देना, मैं दे दूँगा। ज्वाइनिंग लेटर का फॉर्मेट नहीं होगा, मैं दे दूँगा, वो भी कोई इशू नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ों का फॉर्मेट मैं आपको दे दूँगा,
ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयर से सैलरी डलवा सकते हो तो बड़े आराम से प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो आप। और अगर किसी बंदे ने अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रही हो तो बिजनेस के लिए भी उसको बस 2 साल का आईडीआर चाहिए, एक उसको एमएसएमई बनाना है, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन बोल देते हैं उसको, बिजनेस प्रूफ कह देते हैं, जब उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, किसी के पास जीएसटी होता है, किसी के पास एफएनपी होता है, तीनों में से कोई भी हो, तीनों वैलिड है ना, तीनों में से कोई भी हो, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए और 2 साल का आईटीआर चाहिए। अपना जो बंदा खुद का बिजनेस दिखाएगा उसके लिए कोई एनओसी की जरूरत नहीं, कोई ज्वाइनिंग लेटर की जरूरत नहीं है, कोई सैलरी स्लिप की जरूरत नहीं है ना। तो इतना सा काम है, बड़े आराम से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो ना, बड़े इजीली आप वीज़ा ले सकते हो किसी भी बड़ी कंट्री का ना। और शेंगेन का वीज़ा मिल गया आपको, शेंगेन के आप ट्रैवल कर लो, ठीक है। ट्रैवल करने के बाद यूएसए करना है तो भाई इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि यूएसए जो वीज़ा है ना वो टोटली इंटरव्यू बेस्ड है, उसके लिए ना आपको कोई अकाउंट में फ़ंड चाहिए, ना ही आपको कोई आईटीआर दिखानी है, ना ही आपको कुछ दिखाना है अपना, वो टोटली आपके पासपोर्ट पे, आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हो। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़िया कंट्रीज के है ना तो बड़े इजीली आपको वीज़ा मिल जाएगा, हाँ बड़े इजीली आप उनको कन्विंस कर सकते हो भी हाँ भाई मैं ऑलरेडी ट्रैवल्ड हूँ, या जर्मनी ट्रैवल्ड हूँ, या फ्रांस ट्रैवल्ड हूँ, या इटली ट्रैवल्ड हूँ, या और एशियन कंट्रीज ट्रैवल्ड हूँ ना, तो बड़े इजीली वीज़ा ऑफिसर भी कन्विंस हो जाता है और मतलब आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल अप रहता है, बिकॉज आपको काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है। ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी भाई, कैसे वीज़ा करना होता है अप्लाई, कैसे इमिग्रेशन क्लियर करना होता है, कैसे सारी चीज़ें होती है ना, तो बड़े आराम से आप सीख सकते हो ना ये चीज़ों को। उसके बाद इंटरव्यू देना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए प्लीज़ कोई गलत रास्ते मत पढ़ो, बहुत इजी सा प्रोसेस है वीज़ा लेने वाला है ना, तो आराम से चलो यार 3-4 महीने के मेहनत ये प्रोफाइल के ऊपर कर लो और बड़े इजीली आप वीज़ा ले सकते हो ना। बाकी मैं आपको सच्ची बता दूँ, जब आपने एक बार ट्रैवल कर लिया ना किसी इंटरनेशनल कंट्री में, उसके बाद आपको ऐसा एक शौक सा पड़ेगा भी यार हाँ ट्रैवल करते हैं यार मज़ा आता है सच में। इंटरनेशनल ट्रैवल करने में बहुत ही अलग मज़ा आया ना, इंडिया ट्रैवल करने में भी है लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल करने में एक अलग सा ही मज़ा आता है ना। तो कोशिश करें सही रास्ते चुनें, गलत रास्ते मत जाएं ना। तो बाकी मैं आपकी तेजेंद्र सिंह जी के साथ में वीडियो ऐड कर दूंगा, अभी वो रिसेंटली अभी इंडिया से गए हैं यूके से गए आयरलैंड, और आयरलैंड से अब जाएंगे जर्मनी है ना, तो उनके मैं साथ में वीडियो ऐड कर दूंगा, तो आप देख लेना वो भी। और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो ना तो मेरे को मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जितनी जल्दी हो पाएगा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम तेजेंद्र सिंह है ते मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा तो बिलोंग करता हाँ, तो जो कि मैं अज आयरलैंड का क्यों आया हुआ वहाँ, क्योंकि मैं लंदन का वीज़ा ही मेरे को यूके का, तो उनके आयरलैंड की एंट्री है, जो मेरे की मेरे को इस टाइम वीजे ने सारे ही अरुण सर की देन ने, बहुत बहुत धनवाद है अरुण सर का जिन्होंने मेरे सारे वीजे लवाए, क्योंकि मैं मेरे को 13 रुपये किसी भी कंट्री का मेरे को वीज़ा नहीं लगता पाया, और अरुण सर मैं यूट्यूब पर कंटैक्ट किया, ट्रैवल विद अरुण उन्हों का पेज है, तो उतों कंटैक्ट किया, उन्होंने मेरा वीज़ा करा के दिता जर्मनी का, जो कि रिफ्यूज़ थी, फिर भी मैंने वीज़ा लैके दे दिता उन्हें, उस तो बाद उन्हें मेरा यूके का, कैनेडा का, और मेरी फैमिली का, जर्मन का भी वीज़ा लैके दिता मेरी सारी फैमिली का। इस करके मैं सर ना जिस भी भरा ने वीज़ा लवाना है अरुण सर को कंटैक्ट करो, जिस वीर का कभी भी वीज़ा मतलब रिफ्यूज होया हो वीज़ा लवाना चाहे, जिहदा वीज़ा ना लगता है, मैं 100% श्योरिटी देना कि अरुण सर लवा के देंगे, पर 100% वो कहते नहीं, पर मैनू यकीन है वो 100% सब का वीज़ा लवा के ही देंगे। और जिहड़े वीर भरा ने वीज़ा लवाना है अरुण सर को कंटैक्ट करो, यूट्यूब पे उन्हों का पेज है ट्रैवल विद अरुण। बहुत बहुत थैंक्स सर अरुण सर का, जिन्हें बतौलत मैं अज आयरलैंड, लंदन, कैनेडा, जापान, इन्होंने सब का वीज़ा अरुण सर ने लैके दिता है, मैं दिलों धन्यवाद करता अरुण सर का, बहुत बहुत थैंक्स अरुण सर।